तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत अभिनंदन है। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे आर्यव्रत बैंक के रिकॉल क्वेश्चंस पे। और यकीन मानिए, आज मैं पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनल सेशन करने वाला था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा सेशंस, कल करेंगे। लेकिन ये रिकॉल क्वेश्चन जो हम डील करते हैं या रिकॉल क्वेश्चन जब हम जानते हैं, तो इसमें से हमारी एनर्जी बढ़ती है, तैयारी करने के प्रति, लक्ष्य के प्रति हमारी जो जागरूकता है, उत्सुकता है, और ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि ये रिकॉल क्वेश्चन से हम अपने आप को आकलन कर पाते हैं कि कैसे सवाल आ रहे हैं, जो हमारे मन में भय रहता है वो उसमें से आप ओवरकम कर पाते हैं। और रिकॉल क्वेश्चन एक ऐसा टूल है, अगर सारे रिकॉल क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया तो वो टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि IBPS का पैटर्न अगर ग्रामीण बैंक का स्टैंडर्ड लेंगे तो उसमें एक जैसा होता है, और जो नेशनलाइज बैंक है उनका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो इस सेशन से आपको आर्यव्रत बैंक के स्केल 1 से 2 जो प्रमोशन एग्जाम 26 नवंबर 2022 को हुआ था, तो साथियों ने साझा किया है, तो वही सवाल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि हमारे विजय रजक जी के यहाँ से नन्ही बच्ची ने सबका स्वागत किया है, आप लोगों का हौसला बढ़ाया है, तो आप सभी साथियों को एक बार, जैसे जूही जी भी आज PNB का सेशन है करके पहले से आ गई हैं, है ना, कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखिए। अभी मैं प्रोडक्ट से सारे लेके सारे इम्पोर्टेंट जो CBS आपके IT रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो चूँकि 26 नवंबर 2022 को एग्जामिनेशन हुआ, तो अगर ताज़ा तरीन अगर सवाल हमको मिल जाते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, है ना विजय रजक जी, अगर सवाल मिल जाते हैं तो एक बूस्टर आ जाता है, क्या कहना है आपका? तो विजय रजक जी की आवाज नहीं आ पा रही है हमारे तक, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे सवालों पे, और ये सवाल होंगे स्केल 1 से 2, और ये यकीन मानिए ये सारे सवालों के जवाब हमारे वरुण जी दे देंगे, है ना, क्योंकि वो एकदम भारी तैयारी करके एकदम बैठे हुए हैं, एकदम लाइट वाइट लगा के, फोकस टार्च लाइट लगा के, तो एक बार बस आप ही का इंतजार था। आइए, आपका इंतजार है ना। तो वरुण जी आ गए तो भाई एक सिग्नल मिल गया, देखो ग्रीन सिग्नल, सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल हम चर्चा कर रहे हैं स्केल 1 से 2 में जो आए थे 26 नवंबर 2022 को। सवाल है, एन इंटरप्राइजेस वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आर इक्विपमेंट्स डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़, सो द इंटरप्राइजेस इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस। तो इंटरप्राइजेस, तीन तरह के इंटरप्राइजेस होते हैं, एक माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस, मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर देखिए, ये स्केल 1 से 2 में ये सवाल पूछ लिया कि एक इंटरप्राइजेस का जो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और उसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ है, तो ये कौन सा इंटरप्राइजेस होगा? और जब माइक्रो इंटरप्राइजेस, बहुत बढ़िया। तो अब जब क्लरिकल टू ऑफिसर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर स्मॉल एंटरप्राइजेस का पूछ लिया, काफ़ी कठिन है ना, तो ये क्लरिकल टू ऑफिसर वाला इतना कठिन काहे बनाते हैं, है ना। अब देखिए, ये ऑफिसर वाला एकदम सिंपल बना दिया, तो इसका है माइक्रो एंटरप्राइजेस। जब भी किसी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाता है। इन्वेस्टमेंट अगर 5 करोड़ तक का, 10 करोड़ तक का हो तो वो स्मॉल कहलाता है, और इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ तक का हो तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाता है। और टर्नओवर की बात करें तो 5 गुना कर लीजिए, तो माइक्रो का टर्नओवर होगा 5 करोड़, स्मॉल का टर्नओवर होगा 50 करोड़ और मीडियम का टर्नओवर होगा 250 करोड़। तो ये सीधा सवाल, इंटरप्राइजेस वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये माइक्रो होगा क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, टर्नओवर 5 करोड़ है। तो सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल जो हमारे साथी जिनका प्रमोशन एग्जाम अगले महीने या आने वाले समय में है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये देखिए सवाल पूछा गया स्केल 1 से 2 में कि अप टू विच अमाउंट वर्किंग कैपिटल कैन बी असेस्ड एंड सेंक्शन अंडर नाइक कमिटी टर्नओवर मेथड, द मेथड इज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंसिंग MSME यूनिट अप टू हाउ मच करोड़।
यहाँ पूछा गया है कि एमएसएमई के अंदर एक टर्नओवर मेथड इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फर्म के उसके सेंक्शन लिमिट को जानने के लिए, उसको असेस करने के लिए अगर उसको वर्किंग कैपिटल कितने की ज़रूरत होती है, तो वो टर्नओवर मेथड जो होता है एमएसएमई यूनिट में कितने करोड़ तक के लिमिट में उसका इस्तेमाल किया जाता है जो नायक कमेटी है। तो ये सीधा सवाल, क्योंकि जो टर्नओवर मेथड यूज़ किया जाता है वो एमएसएमई के जो असेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल कितने की ज़रूरत होती है, वो टर्नओवर मेथड यूज़ किया जाता है। हमारे साथी दिनेश जी बता रहे हैं 5 करोड़ तक। कितना? 5 करोड़ तक। और 5 करोड़ से ऊपर जो है मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस का इस्तेमाल किया जाता है और एक कैश बजट मेथड होता है। तो यहाँ पर चूंकि टर्नओवर मेथड पूछा गया, मैक्सिमम फाइनेंस जो कितने करोड़ तक है, तो इसका आंसर होगा 5 करोड़। उसका डिटेल वीडियो हमने आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी बताया है, उसको देख लेंगे समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्केल 1 से स्केल 2 आर्यव्रत बैंक 26 नवंबर 2022 के प्रमोशन एग्जाम के सवालों पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द मिनिमम लोन अंडर स्कीम्स फॉर रिहेबिलेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर SRMS। वरुण जी, ये आपके बैंक के में एक स्कीम है ये वाला, इसको पढ़े थे आपने? इसको नहीं पढ़े थे वरुण जी? सर ये अपर में था तो मैंने छोड़ दिया था। एक्चुअली उन सर ने मना कर रखा था कि ये चीज आपके अंडर में आएगी नहीं। ओके। हाँ, तो ये एक स्कीम्स होता है जहाँ पर जो मैला उठाने वाले होते हैं ना, कचरा कचरा उठाने वाले स्केवेंजर्स रहते हैं, तो उनको पुनर्वास देना, उनको जगह घर देना, ताकि उनको घर देंगे तो वो आपका जो ये कचरा सफाई वगैरह साफ करते हैं, तो उसके लिए उनको एक लोन स्कीम दी जाती है। तो इसमें मिनिमम लोन दिया गया है, वैसे तो 25,000 से लोन स्टार्ट होता है, लेकिन मेरे पास ये आपका पॉलिसी नहीं मिला, लेकिन कुछ साथियों ने बताया ये 40,000 का आंसर है। बट आप थोड़ा एक बार इसको मिलान कर लीजिएगा, इसमें डाउट है, क्योंकि अलग अलग बैंकों का अलग अलग है, कहीं पर 25,000 है, कहीं पर 40,000 है। तो ये पर्टिकुलर बैंक का जो स्कीम्स है, हालांकि अगर एक मॉडल अगर उसमें देखेंगे तो वहाँ 25,000 से शुरू होता है, बट यहाँ पर जो है 40,000 दिया गया है। तो ऐसे लोग जो साफ सफाई करते हैं, मैला उठाते हैं, उनके पुनर्वास के लिए बैंक जो है सहयोग करती है, और वो सहयोग राशि मिनिमम लोन कितना मिलेगा बैंक के रिहेबिलेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर स्कीम्स में, SRMS जिसको बोलते हैं, स्कीम्स फॉर रिहेबिलेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स SRMS में। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है ये। वाह वरुण जी, ये सवाल तो कमाल का सवाल पूछ लिया। विजय रजक जी, सवाल पढ़िए जरा, सवाल क्या लिखा है हमारे रजक जी, पढ़ेंगे इसको। What is the थिंकनेस ऑफ कैश केबिन ऑफ बैंक ब्रांच? वाह, थोड़ा समझाइए जरा क्या है ये बोल रहा है, कि ब्रांच जो में जो, ब्रांच का जो कैश कैबिन होता है उसमें जो ग्लास लगी रहती है, वो उसकी थिकनेस क्या है, बताइए भला। वाह, ये तो नया टाइप का सवाल आ गया। 12 mm हाँ, ये सवाल जो है थोड़ा नया टाइप का सवाल पूछा गया, कि प्रीमाइसेस पॉलिसीज में इसका जिक्र होता है कि जब भी एक ब्रांच प्रीमाइसेस बनाया जाता है तो उसमें जो ग्लास लगाया जाता है वो कितने एमएम का होता है, और वो होता है 12 mm का। विजय रजक जी, आपको मालूम था, है ना रजक जी? ये तो मेरे लिए नया लगा उनको, है ना? एकदम नया सर, ये तो हम लोग सोचे ही नहीं थे। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी और प्रीमाइसेस पॉलिसीज पे भी सवाल काफी पूछ रहे हैं, तो इसीलिए रिकॉल क्वेश्चन हमारे लिए एक बूस्टर का काम करता है। रिकॉल क्वेश्चन से हमको आइडिया होता है कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सो द थिकनेस ऑफ कैश कैबिन ऑफ द बैंक ब्रांचेस इज 12 mm, उनका 12 mm का थिकनेस होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, हाउ मेनी डेज प्रियोर टू गिव द सेल नोटिस अंडर सरफेसी एक्ट शुड बी इशूड। जब भी सरफेसी एक्ट में कोई प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, तो सेल करने से पहले उसको एक सेल नोटिस दिया जाता है कितने दिन पहले, ये सवाल पूछा गया है। 30 days, 30 days, सरफेसी कितने डेज सर? एक पावरफुल टूल है जो बैंकों ने इस्तेमाल करते हैं ताकि स्पीडी रिकवरी हो एनपीए का, और एक विशेषाधिकार बैंक को मिलता है कि जिसके तहत बैंक जो है
ऐसी प्रॉपर्टी जो बैंक के इमोबल प्रॉपर्टी पजेशन में है टू सिक्योर ए लोन, तो उस प्रॉपर्टी को बैंक जो है कब्जा कर सकती है, पजेशन में ले सकती है और पजेशन में लेके ऑक्शन के थ्रू उसको सेल कर सकती है। तो सरफेसी एक्शन चलाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी जो होते हैं स्केल 4 एंड अबव होते हैं, और जब भी सरफेसी एक्शन चलाया जाता है तो उसमें कुछ कंडीशन होता है। 1 लाख रुपए कम से कम, जो 1 लाख से अधिक आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर वो प्रिंसिपल से 80% से ज़्यादा पे कर दिए हैं तो सरफेसी नहीं चलेगा। एग्रीकल्चर लैंड है तो सरफेसी एक्शन नहीं चलेगा। उसमें कोई सिक्योरिटी, इमूवेबल सिक्योरिटी हो तब सरफेसी चलेगा। अब सरफेसी के लिए 1 लाख से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, और जब भी सरफेसी चलता है तो सबसे पहले डिमांड नोटिस दिया जाता है ग्राहक को, 60 दिनों का डिमांड नोटिस, इसको 13-2 नोटिस कहते हैं। फिर उसके बाद पजेशन ले सकते हैं 60 दिन के बाद अगर नहीं पटाए तो, और अगर 60 दिन के अंदर अगर जो ग्राहक है कोई जवाब मांगता है तो उसका रिप्लाई 15 दिनों के अंदर बैंक को देना होता है, और अगर उसने वो राशि नहीं पटाया तो उसको जो है पजेशन में ले सकते हैं। और पजेशन में लेने के 7 दिन के अंदर 2 न्यूज़पेपर में वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है उसमें, वहाँ पर न्यूज़ में छापना पड़ता है, और न्यूज़ में छापने के बाद ही होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब उसको सेल आउट करने के लिए, सेल आउट करने के लिए उसका रिजर्व प्राइस फिक्स की जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है, और रिजर्व प्राइस के आधार पर ऑक्शन किया जाता है, ई ऑक्शन। ई ऑक्शन में आने बेचने से पहले जो सेल नोटिस आता है उसको बोलते हैं 30 डेज का नोटिस देना होता है। जब भी ऑक्शन किया जाता है तो ऑक्शन करने समय जो रिजर्व प्राइस का 10% जो है पैसा जमा करके ऑक्शन में भाग लेना होता है। जो सक्सेसफुल बीडर होता है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, शंकर महाराज जैसे सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला क्या होगा कि वो सक्सेसफुल बीडर कहलाएगा। फिर उसको जो है उसको सेल कंफर्म कर दिया जाता है। सेल कंफर्म होने के बाद ये जो अपने शंकर महाराज हैं उनको बोलेंगे कि आपने 10% दिया तो आप 25% और ला दो जो आपने बीट किया है, तो 25% मतलब 15% और ला दीजिए, 10% पहले ही दिया है, बाकी 75% के लिए 15 दिन का समय है। जब वो 75% दे देंगे तो सेल नोटिस कंफर्म हो जाता है, फिर उस आधार पर जो उसकी रजिस्ट्री हो जाती है प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो जाता है। ये पूरा सरफेसी पढ़ा दिया। तो यहाँ पर सवाल ज़्यादातर पॉपुलर सीरीज का पूछता है सेल नोटिस में 30 डेज, पजेशन नोटिस की बात करेंगे तो वो होगा आपका 60 डेज। जो है आप सरफेसी के लिए पूरा चीज जो है आप देखें तो सरफेसी में 5 तरह के सवाल अभी तक पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। पहला जो ज्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछता है कि सरफेसी के लिए मिनिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा 1 लाख से ज्यादा। दूसरा, सरफेसी में नहीं चला सकते अगर वो 80% से ज्यादा प्रिंसिपल पे कर दिया है। एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो सरफेसी नहीं चला सकते, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। फिर 32 जो है 60 डेज का नोटिस दिया जाता है, वो भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। और एक अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है बारोवर तो कितने दिन में जवाब देना चाहिए, 15 दिन में, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। और फिर एक सवाल ये है 30 डेज वाला। और हायर स्केल में एक बार ये पूछा जाता है कि पजेशन लेने के कितने दिनों के अंदर जो है नोटिस जारी किया जाता है, ये पेपर में पब्लिश किया जाता है, वो 7 दिनों के अंदर। चलिए अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सवाल देखिए कितना शानदार है। राजू नैन जी सवाल पढ़िए जरा। सीनियर सिटीजंस दैट इज इंडिविजुअल्स हु आर एट लीस्ट 60 इयर्स ऑफ एज वांटिंग टू क्लेम टीडीएस डिडक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हैव टू सबमिट द फॉर्म एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है और कम से कम 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हैं और वो अपने डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है उसमें टैक्स की छूट चाहते हैं,
तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे प्रति वर्ष, कौन सा इन्वेस्टमेंट कौन सा डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे बैंक के पास, बैंक के लिए ये पूछा गया। तो इसका उत्तर बता दीजिए राजू जी। 15H सर, 15H। तो 15G होगा सर 60 साल से नीचे जो लोग हैं उनके लिए। 15H और 15G एक ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसके आधार पर एक ग्राहक जो है बैंक को एक डिक्लेरेशन देता है कि बैंक मैनेजर साहब मेरे डिपॉजिट में से जो इंटरेस्ट है इनकम हो रहा है उसमें से कोई प्रकार का चार्ज न काटा, सॉरी टैक्स न काटा जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो है अपने डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है उसका डिक्लेरेशन मैं इनकम टैक्स को दे दूंगा रिटर्न में, आपको डिक्लेरेशन दे रहा हूँ आप मत काटिए और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। तो हम उस जो 15H फॉर्म है उसको इनकम टैक्स सर्किल में भेज देते हैं और उसके अकाउंट्स में उनको पंच कर देते हैं जिससे कि वो एग्जम्पशन हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं कटता है। अब हमारे शंकर जी बताएंगे, शंकर जी अगर एक सीनियर सिटीजन आपके बैंक में कनरा बैंक में बढ़िया डिपॉजिट कौन सा है, शंकर जी बढ़िया डिपॉजिट कौन सा जिसमें ज्यादा ब्याज मिलता है सीनियर सिटीजन के लिए सर? हाँ मतलब सामान्य आदमी के लिए भी, सीनियर सिटीजन के लिए फिर भी पूछ लेंगे, अगर सबसे अच्छा डिपॉजिट कौन सा है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सर। ओके, तो उसमें सीनियर सिटीजन के लिए कितना परसेंट ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट? 0.50% एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है? यस सर, वो 6 महीने से ज्यादा रखना पड़ेगा सर उनको, अपना 6 महीने से पहले नहीं ले सकते। चलो बढ़िया है, तो सीनियर सिटीजन के लिए रखेंगे तो उसमें कितना इंटरेस्ट इनकम होगा तो टीडीएस काटेगा आपका सिस्टम? 50,000 सर। 50,000 कितना, महीना दो महीना कितना? नहीं नहीं ईयरली सर, फाइनेंशियल ईयर। ओके, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 50,000 से ज्यादा अगर टैक्स इंटरेस्ट इनकम हो गया तो उसमें टैक्स डिडक्शन होगा, ये जो है सीनियर सिटीजन के केस में। और अगर अदर होंगे, अदर के केस में कितना होगा? 40,000 सर। 40,000, तो 40,000 से ऊपर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट चला गया इंटरेस्ट का तो फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर सर पैन कार्ड, उसमें भी दो शर्तें हैं, पैन कार्ड है तो 10% और पैन कार्ड नहीं है तो 20%। हाँ ये सही बात है, अगर पैन कार्ड है तो 10% कटेगा, पैन कार्ड नहीं है तो 20% लगेगा। और आप देखे होंगे 20% कट जाता है तो फिर शिकायत आता है और ऐसे शिकायतों को जो है निपटारा किया जाता है, क्योंकि वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को चला जाता है, बाद में फिर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको फिर से रीफाइलिंग करेक्शन फाइलिंग कराते होंगे और उसके उसमें 26Q स्टेटमेंट में दिखा के उसको इनपुट क्रेडिट लेते होंगे। तो ये सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 और नॉर्मल जो सिटीजन है उनमें 40,000 नहीं तो TDS लगेगा। और सीनियर सिटीजन 15H फॉर्म दे सकते हैं और अदर जो है 15G फॉर्म दे सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल सीनियर सिटीजन का पूछा तो यहाँ पर आंसर होगा 15H। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये सवाल पूछा गया व्हाट इज द ऑडिट फी ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर फॉर ऑफ द ब्रांच पर मंथ एज पर द ऑडिट पॉलिसी ऑफ आर्यव्रत बैंक। तो ये कॉन्करेंट ऑडिट पॉलिसी में क्या होता है, बैंक के जो भी ब्रांचेस हैं, कॉन्करेंट ऑडिट पॉलिसी RBI का कहता है कि जितने भी आपके बैंक का एक्सपोजर है, लोन है, उससे आधा, कम से कम आधा कवर हो जाए, आधा से कम ना हो, उतने ब्रांचेस को कॉन्करेंट ऑडिट के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 1,000 करोड़ का आपके बैंक का लोन है, 1,000 करोड़ का, तो पॉलिसी कहता है कि ऐसी ब्रांचेस का कॉन्करेंट ऑडिट कराया जाए जिनका सब मिला के जो उनका लोन मिला के 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आपका 50% कवरेज होना चाहिए। पूरे बैंक का 1,000 करोड़ लोन है और अगर 10 ब्रांच का 500 करोड़ है तो 10 ब्रांच को कॉन्करेंट ऑडिट होना चाहिए, ये कवरेज होता है। तो जब कॉन्करेंट ऑडिटर नियुक्त करते हैं तो उनको जो फी है वो फी पूछा गया है और ये फी 10,000 पर मंथ है, अलग अलग बैंक का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर चूँकि आपका आर्यव्रत बैंक के हिसाब से 10,000 पर मंथ जो है कॉन्करेंट ऑडिटर की फीस है। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्केल 1 से 2 जो प्रमोशन एग्जाम है आर्यव्रत बैंक का, सवाल पूछा गया व्हाट इज प्लेज, प्लेज के बारे में सवाल पूछा गया। तो प्लेज क्या है, प्लेज एक चार्ज है
जो मूवेबल सिक्योरिटी पे क्रिएट किया जाता है, और प्लेस की व्याख्या जो की गई है अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत की गई है, और प्लेज एक बेलमेंट ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी है। अगर कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से बैंक में आता है और अपने मूवेबल सिक्योरिटी को बैंक मैनेजर को दे देता है, डिलीवरी कर देता है कि जब तक मेरा लोन चुकता ना हो जाए इसको आप अपने पोजिशन में रखिए, चार्ज क्रिएट कर लीजिए, तो इस तरह के जो चार्ज को प्लेज कहते हैं। तो प्लेज इज ए बेलमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी टू सिक्योर ए लोन। तो ये क्या होगा, प्लेज इज ए बेलमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी टू सिक्योर ए लोन, इसको बोलते हैं प्लेज। तो ये इस तरह का सवाल पूछ लिया। तो प्रमोशन एग्जाम में क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ कि चार्ज क्रिएशन पे सवाल मैंडेटरी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसएचजी लैंडिंग। व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसएचजी लैंडिंग। तो एसएचजी के लिए जो सवाल पूछा गया, एक मिनट है ना सर। नमस्ते सर, व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसएचजी लैंडिंग। तो 3-4 ऑप्शन वहां दिए गए थे, उनमें से एक गलत स्टेटमेंट चुनना था। अब वो चारों ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन जो था वो रॉन्ग स्टेटमेंट वो दिया गया था कि लैंडिंग टू अदर्स एट कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एसएचजी में जो इंटरनल लैंडिंग किया जाता है वो बाहरी लोगों को नहीं दिया जाता है, समूह के सदस्यों को दिया जाता है, इसीलिए ये रॉन्ग जो स्टेटमेंट हो सकता है। तो लैंडिंग टू अदर्स एट कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एसएचजी में जब भी लैंडिंग की जाती है इंटरनल लैंडिंग वो उन्हीं के सदस्यों को की जाती है, तो इसलिए यही गलत है। तो गलत स्टेटमेंट चुनने के लिए कहा गया एसएचजी लैंडिंग में, तो आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या किए हैं साथियों ने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो क्लरिकल में भी आया था, हमारे साथियों ने बताया कि एज पर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आर्यव्रत बैंक द क्रेडिट प्रोसेस ऑडिट इज अप्लाइड इन एक्सपोजर ऑफ विच अमाउंट। बैंक के पॉलिसी के हिसाब से कितने रुपए के लोन या उससे ज्यादा के लोन पर एक सीपीए ऑडिट किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रेडिट प्रोसेस ऑडिट, सीपीए बोलते हैं। तो ये है सीपीए ऑडिट। तो प्राय ग्रामीण बैंक में ये सभी में लगभग समान है कि जब भी किस बैंक ब्रांच द्वारा 10 लाख या उसके ऊपर के लोन जो है सैंक्शन किए जाते हैं, तो लोन डिसबर्स करने से पहले उस अकाउंट का जो है क्रेडिट प्रोसेस ऑडिट किया जाता है, और ये क्रेडिट प्रोसेस ऑडिट जो है कंप्लायंस को देखते हुए किया जाता है, फिर उसके बाद डिसबर्स किया जाता है। तो ये अमाउंट है 10 लाख और उससे ज़्यादा, ₹10 लाख एंड अबव। सो एज पर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आर्यव्रत बैंक द सीपीए ऑडिट इज अप्लाइड इन द एक्सपोजर ऑफ ₹10 लाख एंड अबव। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, वाह ये तो बढ़िया सवाल पूछ लिया विजय जी, क्या सवाल पढ़िए जरा। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फर्स्ट डोज अंडर एनआरएलएम स्कीम, बता दीजिए क्या क्वांटम। 1.5 लाख सर, पूरा करके अच्छे से बताइए क्या है। बोला जा रहा है कि सर एनआरएलएम में फर्स्ट डोज के रूप में कितना पहला रकम दिया जाता है। ओके, तो इसको 1.5 लाख तो गड़बड़ कर देंगे अगर मान लीजिए सवाल अभी घुमा घुमा के आ रहा है। तो एक्चुअल में इसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है, पंचसूत्र का पालन, 3 महीना हुआ तो रिवॉल्विंग फंड मिलता है। पंचसूत्र का पालन क्या है, पंचसूत्र रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर लेंडिंग, रेगुलर रिकवरी, रेगुलर अकाउंट, पंचसूत्र का पालन किए, 3 महीना ग्रुप बना, रिवॉल्विंग फंड मिलेगा जो 10 से 15 हज़ार मिलता है। फिर पंचसूत्र का पालन, फिर उसकी रेटिंग होगी और 3 महीना मतलब टोटल 6 महीना हुआ तो उसको क्रेडिट लिंकेज मिलेगा, जिसको एनआरएलएम के तहत क्रेडिट लिंकेज देते।
जैसे ही क्रेडिट लिंकेज होगा एक उनको लिमिट सेंक्शन करते हैं। कितना लिमिट सेंक्शन करते हैं राजू नयन जी? 6 लाख का सर। 6 लाख लिमिट सेंक्शन 6 लाख का होगा सर, करेंगे और उसको डोजेस में देते हैं। अब डोजेस की गणना जो की जाती है, पहला डोज जो दिया जाएगा वो 6 टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पस या मिनिमम 1.5 लाख, ये सही होगा। 6 गुना जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, सपोज उसके खाते में 25,000 का बैलेंस है, ठीक है, 25,000 का बैलेंस है, तो 25,000 का बैलेंस है तो उसका 6 टाइम कितना होगा राजू नयन जी? 1.5 लाख सर। 1.5 लाख होगा ना, तो 25,000 का कॉर्पस कैसे हो सकता है? 15,000 रिवॉल्विंग फंड का मिला है और 10,000 उसमें सेविंग में जमा है, तो 25,000 हो गया। तो कॉर्पस का 6 टाइम या 1.5 लाख मिनिमम जो है देना है। मान लीजिए वहां पर 20,000 रुपए है, कॉर्पस 20,000 है, तो अब कितना होगा उसका 6 गुना राजू नयन जी? 1,20,000 सर। 1,20,000, लेकिन उसको लोन कितना देंगे पहला डोज में? फर्स्ट डोज में 1.5 लाख ही देंगे सर। 1.5 लाख ही देंगे, क्योंकि जो लिखा हुआ सर बीच एवर इज हायर। अब लेकिन अगर वहां पर कॉर्पस हो गया 30,000, कॉर्पस हो गया 30,000, तो उसका 6 गुना कितना होगा? 1,80,000, तो 1,80,000 देना पड़ेगा जी, समझ रहे हैं? लेकिन अगर यहाँ पर कॉर्पस है 10,000, तो उसका 6 टाइम होगा 60,000, लेकिन देंगे 1.5 लाख। इसका अगर मान लीजिए यहाँ पर 30,000 है, 1,80,000 आया, तो 1,80,000 देंगे। तो इसको ही फंडा को समझ लीजिए सर। तो इस हिसाब से सर, अगर कॉर्पस उसके पास, अगर किसी एसएचजी के पास अगर 40,000 भी हो सर, तो अगर फर्स्ट डोज देना हो तो उसके 6 मल्टीपल देंगे सर, 6 टाइम 40,000 है, 2,40,000 देना ही पड़ेगा आपको, व्हिच एवर इज हायर, ठीक है। तो ये तो क्या दिया गया है, व्हिच एवर इज हायर आप दे सकते हैं, लेकिन ये आपका डिस्क्रिशनरी पावर भी है और उसका डिमांड है। अगर वो मांगा ही 2 लाख है तो कहाँ से दोगे आप? जी जी, तो फर्स्ट डोज के लिए एक स्ट्रक्चर दिया गया है, सेंक्शन लिमिट 6 लाख देना है, पहला डोज 6 टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पस या मिनिमम 1.5 लाख, दूसरा डोज 8 टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पस मिनिमम जो है कितना होगा 3 लाख, और थर्ड डोज कितना है 6 लाख, और चौथा डोज जो होगा 6 लाख से ऊपर। ओके, तो ये डोजेस के आधार पर दिया गया है और ये रिविजन किया गया 2022 में, ये पॉलिसी जो चेंज हुआ है 2022 में। अब आता है, वाह कितना सुंदर सा घर है जी, है राजू ने ऐसा वाला घर है ना आपका, देखो कितना बढ़िया घर बना एकदम। तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ हाउसिंग लोन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर इन द मेट्रोपॉलिटन सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव शुड नॉट एक्सीड ऑफ रुपीज हाउ मच लैक्स फॉर बीइंग क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर? प्रायोरिटी सेक्टर की व्याख्या के मुताबिक अगर मेट्रोपॉलिटन सेंटर के अंदर घर बनाया जाता है तो कितने रुपए तक के अधिकतम ऋण जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में कहलाएंगे, बताओ राजू नयन जी? हाँ सर, 35 लाख सर लोन होगा, 35, उसका प्रोजेक्ट कास्ट 45 लाख सर, प्रोजेक्ट कास्ट जो है 45 लाख और लोन जो है 35 लाख। तो ये सवाल पूछा गया तो आपका आंसर होगा 35 लाख। वैसे ये इसलिए ऐसा बनाया जाता है कि लगभग 45 लाख में तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में घर बन ही जाता है, 45 लाख में घर बन जाएगा अच्छा रहने के लिए 2 बेडरूम का, और उसमें से प्रोजेक्ट कास्ट होगा 45 लाख, तो 10 लाख मार्जिन होगा, 35 लाख लोन होगा, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में कहलाएगा। अगर इस क्राइटेरिया को ब्रीच कर गया तो वो नॉन प्रायोरिटी में चला जाएगा। अगर यही रूल अदर देन मेट्रोपॉलिटन सेंटर में होता तो क्या होता उसके लिए क्राइटेरिया? ये उस कंडीशन में सर 30 लाख होता उसका सर प्रोजेक्ट कॉस्ट और 25 लाख होता सर लोन अमाउंट सर। वाह बहुत बढ़िया, तो ऐसी जगह में जहां पर 10 लाख से कम जनसंख्या रहती है वहां पर घर बनाना है तो 30 लाख रुपए तक पूरा घर बनाने का खर्चा हो और उसमें 25 लाख अधिकतम लोन हो तो वो यूनिट जो कहलाएगा प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर हाउसिंग लोन में गणना की जाएगी। और अगर इस क्राइटेरिया को ब्रीच करता है या इस क्राइटेरिया के बाहर आता है तो वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में चला जाएगा। और एज ए ग्रामीणा बैंक तो पूरा काम प्रायोरिटी को देख के करना होता है, प्रायोरिटी सेक्टर क्यों करना होता है राजू नयन जी प्रायोरिटी सेक्टर को देखते हुए?
इसलिए सर कि ग्रामीणा बैंक की सर जो प्रायोरिटी सेक्टर की टारगेट होती है सर 75% होती है सर। बहुत बढ़िया। और खास करके ये रूरल एरिया में ज्यादा होती है सर ब्रांचेज। हाँ, सर्विस प्रायोरिटी सेक्टर का आपका जो क्राइटेरिया है वो एनबीसी का 75% है। समझ लीजिए 100 रुपये का लोन दे रहे हैं तो आपको कहा ही गया है कि सिर्फ सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर करिए, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आपको 25% का स्कोप है, जिसमें से आप स्टाफ को देते हो तो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर आता है। फिर आप जो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई किए गए हैं 8 आइटम, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, एक्सपोर्ट लोन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर प्रायोरिटी सेक्टर, वीकर सेक्शन, तो इनको छोड़ के अगर कोई भी लोन करेंगे तो वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। तो वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आपके पास बहुत कम स्कोप है, 25%। कितना है? 25%। जैसे व्हीकल लोन करना है ना, व्हीकल लोन करना है, ये नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको प्रायोरिटी सेक्टर में ये टारगेट जो है पूरा करना होता है। अगला है आपका, स्क्रीन पर ये सवाल पूछा गया, वेयर द माइनर बिकम्स ए पार्टनर बाय हिज ओन चॉइस आर बाय फेल्योर टू गिव मीनिंग विद इन द स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ मेजोरिटी ही बिकम्स पर्सनली लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल डेट्स ऑफ द फर्म रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। इसमें कहा गया है एक माइनर है, उस माइनर को किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर जैसे बना दिया गया, लेकिन चूंकि अभी वो माइनर है तो माइनर को वहां पर उसमें पार्टनर बना दिया गया। अब जब वो मेजर हो जाता है, 18 साल हो जाता है, तो मेजर होने के बाद कितना समय है जिसमें कि वो स्वीकार करता है कि मैं इसका पार्टनर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। अगर वो स्वीकार कर लिया मैं पार्टनर बनूंगा तो day 1 से जहां से वो एडमिट किया गया उस दिन से लाइबल हो जाता है उस सारे डेट्स के लिए, उस पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो वो समय कितना है कि जिस समय वो 18 साल का हो गया, 18 साल के बाद कितना समय उसके पास है जिसमें से कि वो कंफर्म करे कि मैं इसका पार्टनर बनना चाहता हूँ कि नहीं बनना चाहता। 6 मंथ सर। 6 मंथ। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अगर कोई माइनर जो है किसी पार्टनरशिप का पार्टनर बनता है और वो 18 साल का जब हो जाता है तो 18 साल के बाद 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना होता है कि ये बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। अगर वो कंफर्म कर देता है अपने पार्टनरशिप को तो वो सारे लायबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है सारे डेट का, और अगर वो इनकार कर देता है तो वो वहां से लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है थोड़ा ये देखिए आसान सा सवाल है, डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड एज, बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं एसेट और लायबिलिटी, तो डिपॉजिट जो है किस एरिया में दिखाया जाता है? हाँ जी विजय रजक जी बताइए, जरा आप बताइए। 3 में सर। कौन से में दिखाए जाते हैं? 3। शेड्यूल 3 में सर। शेड्यूल 3 में दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शेड्यूल का नहीं पूछा गया था, इसमें यह पूछा गया था कि डिपॉजिट किस में दिखाए जाते हैं, वो लायबिलिटी साइड दिखाए जाते हैं, है ना? लायबिलिटी क्यों है विजय जी, लायबिलिटी क्यों है डिपॉजिट्स? क्योंकि इनको सौंपना पड़ता है, देने वाला पैसा है, देने वाला पैसा। हाँ जी, लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये आपको बैलेंस शीट से जाने वाला पैसा है, मतलब जब भी वो डिमांड करेंगे आपको देना है, आपकी देयताएं हैं, बैंक की देयताएं, इसलिए इसको लायबिलिटी में दिखाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फैसिलिटी वर्किंग कैपिटल लोन अप टू हाउ मच रुपीज अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर एज ए थर्ड ट्रांच। इसमें क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लिखा, टाइप नहीं हो पाया। इसमें सवाल ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना है उसके तहत जो ट्रांच 3 है उसमें कितना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फैसिलिटेट किया जाता है? हाँ जी विजय रजक जी, कितना रुपए दिया जाता है? 50,000 सर। कितना तो लोन हुआ आपकी ब्रांच में? 10,000 वाला ही हुआ है सर, पहला जो सर्कुलर में था 50,000 वाला नहीं हुआ है सर ब्रांच। हाँ तो अच्छे से पढ़ना है और अच्छे ग्राहक ढूंढना है और उनको देना है, ठीक है? तो इसके लिए ट्रांच 3 में क्या हुआ है, ट्रांच 3 में इसमें इन्होंने कहा है कि
अगर कोई पहला लोन लेता है जो 10,000 रुपये है, ट्रांजवन 10,000 रुपये है, तो पहला लोन लिया है, अगर वो उसकी चुकौती 12 महीने की है, दूसरा लोन लेता है 20,000, उसकी चुकौती 24 मंथ है, और तीसरा लोन फिर एलिजिबल होगा वो होगा 50,000। कितना होगा? 50,000। तो पहला ट्रांज जो है 10,000, दूसरा 20,000 और थर्ड जो है 50,000। पहला लोन 12 महीने में चुकाना है, दूसरा लोन 24 महीने में और तीसरा लोन 50,000 में। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर पहला लोन लिया है और 6 महीना बराबर चुकौती कर दिया है पूरा, तो उसको सेकंड ट्रांज दिया जा सकता है, ठीक है। और सेकंड में ही अगर 12 महीना चुका दिया तो थर्ड ट्रांज दिया जा सकता है 50,000 का। तो सवाल था थर्ड ट्रांज के लिए, तो हम लोग 50,000 में टिक लगा देंगे और ये सवाल जो है हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। नो पेनल इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज अप टू द लोन सैंक्शन रुपीज हाउ मच। कोई भी पेनल इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस में ही इसकी जिक्र जो है किया गया है कि कितने रुपए तक का अगर लोन सैंक्शन किया जाएगा तो कोई भी पेनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। तो पेनल इंटरेस्ट शुड नॉट बी चार्ज अप द लोन अप टू हाउ मच रुपीज, तो ये है सीधा आंसर रुपीज 25,000। 25,000 तक के अगर लोन सैंक्शन किए जाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन में, तो उनमें कोई भी पेनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है, पेनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। चलिए वाह है अरविंद कुमार जी, मार लिए, मच्छर वच्छर आ रहा है क्या खूब सर, है ठंडी में तो वो भी रजाई वजाई में चले जाते हैं ना। ये मच्छर ने जो आपको काटा, ये उसका जुनून है, क्या था उसका जुनून था, है ना। ये मच्छर ने जो आपको काटा ये उसका जुनून था, लेकिन आप उसको मारना चाहते थे और नहीं मार पाए क्योंकि उसके रगों में भी आपका खून था। वाह 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 वाह, ऐसे करो ना, ताली बजाओ ना यार, हैं ताली बजाओ ना। ये मारना चाह रहे थे लेकिन नहीं मारे, ठीक है। मच्छर ने हिम्मत दिखा के इनको जो काटा ये उसका जुनून था, ये मारना चाह रहे थे उसको लेकिन उनको नहीं मार पाए क्योंकि उसके रगों में इनका भी खून था, खून लेके चला गया था, बोले यार क्या मारे। चलिए कोई बात नहीं, मुझे दिख गया तो मुझे याद आ गया। तो नो पेनल इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज अप टू द लोन सैंक्शन रुपीज 25,000। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये देखिए ये थोड़ा नया सर, ये वाला क्वेश्चन रिपीट करिए सर, 17 नंबर का सर, वो थोड़ा सा 17 नंबर में क्या है, अपना प्रायोरिटी सेक्टर का वीडियो देखे होगे तो मैंने आपको बताया है कि अगर 25,000 रुपए तक के लोन है तो कोई भी पेनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। पेनल इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं राजू नयन जी बताओ, जो भी नियम शर्तों के मुताबिक आप लोन फाइनेंस करते हो ना किसी ग्राहक को, अगर वो नियम शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो हम दंड देते हैं उसको। क्या देते हैं? दंड, और ब्याज के स्वरूप दंड देते हैं, उसको बोलते हैं पेनल इंटरेस्ट। आपने क्या नियम शर्त दिया? अरविंद कुमार जी को नियम शर्त दिया भैया हर तिमाही को पैसा पटा देना, हर महीने के 8 तारीख को पटा देना, 10 तारीख को पटा देना। अगर वो 11 तारीख को पटा रहे तो पेनल इंटरेस्ट लोगे, है ना। मतलब नियम और शर्त जो आपने स्वीकृति दी है, अगर उस नियम शर्त के मुताबिक वो अनुपालन नहीं करता है तो ग्राहक को दंड का प्रावधान है, उसको बोलते हैं पेनल इंटरेस्ट। और पेनल इंटरेस्ट नहीं लेना है 25,000 के लोन पर। ये जब प्रायोरिटी सेक्टर में कहीं पढ़ाया होगा उसमें आप देख लीजिएगा। ओके सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया ना। चलिए, जैसे मैंने बताया था कि प्रायोरिटी सेक्टर में विदाउट कोलेटरल 5 लाख 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, अगर अच्छा यूनिट है तो 25 लाख तक कर सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ उसमें पढ़ाया हुआ था मैंने टर्म्स एंड कंडीशन। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ये थोड़ा उल्टा कर दिया है ना, ओवरड्राफ्ट अकाउंट में बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? हाँ जी, ओवरड्राफ्ट में से लोन दिया है वो डेटर हो जाएगा। पंडित जी कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारे, शंकर जी करो 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 करो, क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, कर रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा सर, उल्टा हो जाएगा। तो ओवरड्राफ्ट के केस में ये बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हो जाएगा, बैंकर हो जाएगा क्रेडिटर और कस्टमर हो जाएगा डेटर। तो जब भी ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, मतलब हमने बैंक से डेबिट है, बैंक में डेबिट बैलेंस है, मतलब बैंक क्रेडिटर हो जाएगा, कस्टमर डेटर हो जाएगा।
अगर बैंक में उसी ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट बैलेंस आ गया तो फिर ये संबंध उल्टा हो जाएगा, कस्टमर क्रेडिटर हो जाएगा, बैंक डेटर हो जाएगा। तो चूंकि सीधा सीधा सवाल पूछा गया रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट, तो बैंकर विल बी क्रेडिटर, कस्टमर विल बी डेटर। कंफ्यूज करने के लिए लोन अकाउंट नहीं लिखा सर, ओवरड्राफ्ट अकाउंट लिख दिया। दूसरा ऐसा भी बता सकता है सेविंग अकाउंट अगर डेबिट हो गया तो क्या होगा संबंध, ऐसा बता देगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगला सवाल, द प्रीमियम इज टू पेड बाई होम फॉर द इंश्योरेंस कवरेज ऑफ डिपॉजिट अंडर DICGC स्कीम। वाह, ये तो एकदम बढ़िया गजब का सवाल पूछ दिया है कि yes, sir. जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो DICGC स्कीम्स के तहत उनको सुरक्षा मिलती है, मैक्सिमम 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, इसका प्रीमियम कौन पटाते हैं? बैंक। बैंक, हाँ, इंटायर प्रीमियम इज टू बी बोर्न बाई बैंक पटाते हैं। हाँ जी सर, 12 पैसा पर 100। यस ना, ये तो समय में एकदम दावेदारी, वरुण जी तो एकदम दावेदारी के साथ बताएगा अभी अभी प्रीमियम पे करके आया है टाइप का लगा ना, है ना। ये प्रीमियम कौन पे करता है? आपके हेड ऑफिस में जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो पे कर देता है डिपॉजिट को, है ना, जो बैलेंस शीट डिपार्टमेंट होते हैं ना, और BSD बोलते हैं, बिजनेस सर्विस डिपार्टमेंट, या आप GAD बोलेंगे, अलग अलग बैंक में है, वो पे करते हैं प्रीमियम, बैंक पे करती है 12 पैसा प्रति सैकड़ा, 6 माही दर पे मैं इसको प्रीमियम देते हैं, कवरेज मिलता है 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, और अगर ऐसे कोई क्लेम आते हैं तो उनको 60 डेज में सेटल करने होते हैं, और वो सेटल हम लोग बैंक को भी एक जिम्मेदारी देता है, सपोज कि कोई शंकर महाराज के एरिया के पास कोई बैंक जो है कोलैप्स कर गया, बैंक दिवालिया हो गया, तो वहाँ के जब ये DICGC के क्लेम्स आएंगे ना, तो ये बैंक नज़दीकी बैंक को उसका लिस्ट देता है SLBC, और SLBC सलाह देता है कि भाई ये ग्राहक हैं, इनका आप मदद कर दीजिए और इनका क्लेम फॉर्म भर लीजिए और वो डिपॉजिट आप मोबिलाइज कर लीजिए, अपने बैंक में ले आइए। आइडिया अच्छा है ना अरुण जी? जी सर, है ना। तो जो SLBC होता है क्या करता है, आपने कभी ऐसा किया है? मैंने किया है, तो मुझे बड़ा मतलब मदद करने में बड़ा खुद अच्छा लगता है, क्योंकि 5-5 लाख रुपए है, तो आपने क्या करना है, आपके पास लिस्ट आता है तो आप पहले सॉर्ट आउट कर लीजिए जो 5-5 लाख से ज़्यादा के बैलेंस है, तो उनके पास फटाफट अप्रोच करने चले जाइए, क्लेम फॉर्म भर के उनका साइन लेके उन्हीं को गाड़ी में बिठा लीजिए और क्लेम सबमिट करा दीजिए। क्लेम सबमिट कराने के बाद उनको 60 डेज के अंदर पैसे मिल जाते हैं, तो या तो आपके बैंक का अकाउंट नंबर दे दीजिए तो सीधे RTGS NEFT हो जाएगा, नहीं तो चेक मिलेगा, चेक कलेक्शन कर लीजिए। तो एक तो आप उनको अच्छा उनका पैसा भी दिला रहे हैं, बैंक डूब गया तो ऐसे ही उनका मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, पूरा कई लोगों का ऐसा भी रहता है 20 लाख रुपये रहता है ना, तो 20 लाख रुपये रहेगा, ये शंकर महाराज 20 लाख रुपये से कम तो खाता ही नहीं खोलते, तो 20 लाख रुपये डाल दिए उधर, 15 लाख नहीं मिल रहा है, तो ऐसा भी है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, ये सवाल है SLR इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट। हाँ जी, कौन बताएगा? कल ही पढ़ाया था सर आपने, तो ये देखो दोनों में आ गया, स्केल 1 में भी आ गया और 24 जो की गई है Under Section 24 of Banking Regulation Act 1949. As per the provision of SLR, bank has to maintain the reserve ratio of 18% in case of gold jewelry, gold investment and government securities and in the form of cash in रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दो रिजर्व रेशियो होते हैं, एक स्ट्रेटजिक लिक्विडिटी रेशियो होता है और एक कैश रिजर्व रेशियो होता है, बैंक को उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा इसमें रखना होता है, इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो आज 20 सवाल डिस्कस कर पाए अभी, तो आज वैसे तो और भी सवाल आए हैं मेरे पास 20, मतलब टोटल 42 सवाल हैं, लेकिन आज 20 सवाल पे डिस्कशन करेंगे, कल सुबह हम लोग बाकी सवालों पे कल सुबह चर्चा कर लेंगे मॉर्निंग 6:30 बजे। तो आप लोग बताएं जरा, सुबह का सेशन थोड़ा फ्रूटफुल है थोड़ा कि रात का, दोनों टाइप का सेशन करेंगे क्योंकि अभी सीजन आया है, और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम्स की तैयारी की है, इंटरनल पॉलिसीज की तैयारी की है, उसको करते जाएंगे,
समय बहुत कम है, बहुत तेज गति से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, सुबेरा होता है, शाम हो जाता है, है ना वरुण जी? हाँ सर। तो अपने बैंक का कुछ मैं भेजा था सर आपको? हाँ मैं काम कर रहा हूँ उस पर। आपने बहुत कुछ भेज दिया, कुछ नहीं बहुत ही कुछ है, मतलब कंप्लीट सा भेज दिया, जो मुझे कमी लगेगा और मंगा लूंगा, है ना? तो काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो आप लोग वाह 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 वाह, अपने अपने एरिया में ऐसा कोई काम करिए कि मिसाल बन जाए। और अगर कोई काम अच्छा करते हैं ना तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं सिखाऊंगा उसको ना, मिनिटाइज कर लीजिए या उसको ना टेस्टिमोनियल तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर हम जिंदगी जी रहे हैं ना तो उसका पहचान भी बनना बहुत जरूरी है। काम कुछ किए हैं तो उसका निशान भी बनना बहुत जरूरी है, और जिंदगी ऐसे जिए कि मिसाल भी बनना बहुत जरूरी है ना। वाह वाह वाह। तो इसी के साथ मैं ये सेशन ओपन करता हूँ, अगर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो मैं सुनूंगा और फिर उसके बाद हम लोग विदा लेंगे आपसे। बोलिए। सर SLR और CRR में ये उल्टा, जैसे 42 है वो उसका उल्टा करता 24 हो जाता है, तो ये याद करने का अच्छा तरीका है। आप तो अच्छे याद कर लिए, लेकिन सभी साथी बोलते हैं कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। फिर से बता दीजिए। 24 और 42 सर बेस्ट था। ओके। तो आज हमारे नए साथी जुड़े हैं, प्रियंका शर्मा जी। शर्मा जी आपको नमस्ते, प्रियंका जी आपको गुड इवनिंग। तो हमारे ये जरा स्वागत कर दीजिए, अभिनंदन कर दीजिए। राजू जी हमारे आज पहला सेशन अटेंड किया है, प्रियंका शर्मा जी थोड़ा स्वागत कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। प्रियंका जी आपका हमारे इस सेशन में बहुत ही, हेलो। हाँ राजू नैन जी आप। हाँ सर। प्रियंका मैडम आपका आपको नमस्कार, आज आप अपना हमारे इस सेशन ज्वाइन किए इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, ऐसा बोलिए। सर गुड इवनिंग सर, शिवाजी बोल रहा हूँ। शिवाजी गुड इवनिंग। शिवाजी अभी हमारे सर मेरा जी, बोलिए। जो आज मैंने जो ज्वाइन किया ना तो उनको अभी अच्छा ही होगा, उनको फायदा ही मिल जाएगा, क्योंकि आज ये सही रास्ते पे आए हुए मैम। अच्छा, नहीं नहीं मैडम बहुत अच्छी हैं, मैडम इंटेलिजेंट हैं, हमारा हम लोग सौभाग्यशाली हमारे साथ जुड़ी हैं, क्योंकि मैं अच्छा है, क्योंकि उनसे भी अपने को कुछ सीखना मिलेगा। हाँ। और हमारे से भी आपसे अच्छे से सीखने मिलेगा उनको। ये अच्छी बात कही शिवाजी आपने, अच्छी बात कही है ना, क्योंकि सभी लोग उनमें कुछ ना कुछ खासियत होती है, सभी अपने अपने जगह दीपक होते हैं, तो वो दीपक की भांति हमें क्या करना होता है, अपने आसपास उजाला फैलाना होता है, और जब ये सारे दीपक एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर बहुत जबरदस्त हो जाएगा। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि ये टाइम है ना CRR रेपो रेट है ना, रेपो रेट बैंक रेट वो कुछ मालूम नहीं पड़ा मुझे, तो ये क्या चल रहा है अभी? अच्छा अभी क्या होता है रेपो रेट, रेपो रेट और बैंक रेट क्या होता है शिवाजी? जो ये पॉलिसी रेट होता है ना, बहुत दो दो महीने में चेंज हो जाता है। देश की मुद्रा स्फीति की दर, देश में जो आर्थिक जो स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बाई मंथली मीटिंग होती है, और इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी रेट्स क्या होगा, रिजर्व रेट क्या होगा, और देश में कहाँ कहाँ पैसा है, क्योंकि बैंक का मुख्य काम क्या है, जहाँ पर सरप्लस पैसा है उसको डेफिशिएट जगह पहुँचाना है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा शरारत बढ़ जाएगा, उसका जो है नुकसान होगा। तो इनको स्थिरता पैदा करने के लिए, सही समन्वय पैदा करने के लिए पॉलिसी रेट डिसाइड किए जाते हैं। तो वर्तमान में जो आपका बाई मंथली बैठक हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी, 2 तारीख को, 2 से 3 या 4, 2-3 दिन होता है उनका बैठक। तो इस बैठक में पॉलिसी रेपो रेट 5.90 है, 5.90 मतलब रेट बढ़ाया गया है। तो रेपो रेट 5.90 है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आधार पर बैंकें जो हैं कम समय के लिए लोन लेती हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसमें बैंकों के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो रिजर्व बैंक के पास बिना कोलेटरल के पैसा रख सकते हैं, ले सकते हैं, उसको 5.65 है। और एक MSF रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंकों को अगर एक ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए, तत्काल क्रंच आ गया, तो उसके 0.15% है।
बैंक रेट 6.15% है, बैंक लंबे समय के लिए लोन लेना चाहती है, 15 दिन से ज्यादा है ना, एक महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं शंकर जी के जैसा, तो फिर वो बैंक रेट 6.15। और एक रिजर्व रेपो रेट है, जब बैंक आरबीआई को लोन देगी या बैंक के पास ज्यादा पैसा है, आरबीआई को बोलते हैं कि आप ले लो सर, समय आने पर हम आपसे ले लेंगे, तो उसमें आरबीआई 3.35% बैंक को देगी। तो इसीलिए आरबीआई ने एक नया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाया है, जिसमें बिना सिक्योरिटी के बैंकों को कहा गया है कि आपके पास सरप्लस पैसा होना तो आप सीधे आरबीआई के पास लाके जमा कर दो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, कोई कंडीशन नहीं कि हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो ऐसा वैसा नहीं, तो उसमें 5.65 देंगे, तो ज़्यादातर ये बैंकों के लिए अच्छा है। और रिजर्व रेशियो होता है दो तरह का, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर है 4.5%। सीआरआर एक ऐसा रेशियो है जहां पर बैंक अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जितना है उसका कुछ हिस्सा नकदी के रूप में, रोकड़ के रूप में रखना है। शिवा जी, घर में आप नकदी रखते हो ना? जी। क्यों, कैसे, कितना रखते हैं? लगभग 10,000। आप जैसे बोलते 10,000 की गड्डी लेके आते हैं सर। हाँ, तो जब सैलरी मिलती है ना, तो एक 50 का नया नोट, एक 20 का नया नोट, एक 10 का नया नोट, ऐसा करके ना 10,000 रुपए अपने मैडम को ना दे देना, तो फिर ना आपका देखना महीना बहुत जबरदस्त रहेगा, चमत्कार हो जाएगा, बहुत अच्छा, सब्जी अच्छी मिलेगी, टिफिन विफिन अच्छा आता रहेगा। तो लेकिन करेंसी चेस्ट से दोस्ती कर लेना, चेस्ट में जो काम करते हैं ये, राजू नयन से दोस्ती कर लेना, है ना। और नहीं तो फिर मतलब यहाँ तो सरप्लस रहता है, यहाँ तो सभी को मिलता है जो जगह का। तो सीआरआर है 4.5%, जिसमें 100 रुपए अगर है आपके डिपॉजिट तो 4.5% नगद के रूप में आरबीआई रखना है। और एसएलआर बोलते हैं 18%। 18% एसएलआर को कैश के रूप में रख सकते हैं, गोल्ड के रूप में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर रख सकते हैं 18%, मतलब 22। सर ये दोनों डेली बेसिस पे है ना सर? हाँ, ये डेली बेसिस पर है, लेकिन इसमें बोला जाता है कि पखवाड़ा के तौर पर एवरेज निकाल के 90% कम से कम मेंटेन करना होता है। ठीक है, 90% मेंटेन करना होता है, एवरेज जो बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो ये हो गई बात। अब हम पूछते हैं, अगर आपको इस सेशन में से, देखिए इस सेशन में से वरुण जी क्या आपको मिला? देखो स्किल 1 से 2 के सवाल, 20 सवाल हम लोग चर्चा किए, लगभग 22-24 सवाल और है मेरे पास जो मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, तो एक आप 30 सेकंड में क्या प्रतिक्रिया देंगे? सर, स्केल 1 का तो बहुत इजी पेपर आया है और इसके 0 से 1 के लिए काफी टफ पेपर था, इसके अपेक्षा सर अगर ये होता तो पूरा अच्छा हो जाता पेपर। वाह, हाँ जी राजू नयन जी, काफी अच्छा रहा सर। अभी तक तो हम लोग लगभग 55-60 क्वेश्चन 0 से 1 वाला और ये 1 से 2 वाले में आज 20 क्वेश्चन देख चुके सर, और मुझे लगता है कि 1 से 2 का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उसके मुकाबले में 20 है, कहने का मतलब थोड़ा सा टफ है, लेकिन सर अगर रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए सर तो आने वाले समय में जो भी प्रतिभागी एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे वो 100% सर जनरल बैंकिंग को हल करके आ सकते हैं सर, सॉल्व करके आ सकते हैं उसको, अगर इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लिया जाए तो, इस तरह के वीडियो को। बहुत बढ़िया, ये आपको देखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, आप एक बार देख, आप भी देख लिया और एक बार देखोगे ना तो पूरा याद रहेगा, ये दोबारे देखने की खाली एक बार जरूरत है बस, ये बार बार देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सर का आवाज ही ऐसा है कि वो पूरा आपको याद ही रहेगा 100%, क्योंकि एक साल से मैं उनका लेक्चर आके। शिवाजी आपके पास एडिशनल पावर है, भगवान ने दिया आपको, आप एक बार देख लेते हो, और आपसे कमजोर है हमारे जो साथी हैं, थोड़े से कमजोर हैं क्योंकि आपकी समझ तेज है। वो भी एकदम स्मार्ट है सर, एकदम बैंकर, एकदम बढ़िया से काम कर लेते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनको भी प्रॉब्लम होगा। नहीं, बट मैंने आपका वीडियो दिखाया ना तो ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, आप उस दिन सेशन में नहीं थे तो आपका वीडियो देखिए, आप कितना मतलब जज्बा और जुनून है आप में काम करने का, मैंने सारा चीज बताया तो। नहीं, एक्चुअली मेरे को ना उस दिन मेरे को मालूम नहीं था, नहीं तो मैं ऐड हो जाता था। कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, अब हम साथियों से पूछ लेते हैं। बहुत बढ़िया है ना शिवाजी, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, अभी जो आर्यव्रत बैंक के साथी जो एग्जाम दिए हैं उनको अभी भी आराम नहीं करना है टिल इंटरव्यू कंक्लूड हो जाए, तब तक आपको सारे जो स्टोन है वो पलट पलट के देखना है, तो उनके लिए भी स्पेशल सेशन हम लोग करेंगे किसी भी समय आने वाले समय में,
जब अनाउंसमेंट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इन बिटवीन आप लॉगिन सेक्शन में आपके इंटरव्यू के वीडियोज और इंटरव्यू के मटेरियल रखे हुए हैं, उनको पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को साझा करिएगा। फिर एक मॉक इंटरव्यू करेंगे जिसमें आपके प्रोफाइल मंगाऊंगा, प्रोफाइल के आधार पर क्वेश्चन किए जाएंगे, कुछ एक्सपर्ट्स हम लोग बुलाएंगे। हाँ जी, तो अभी आज के सेशन में सबसे अच्छा क्वेश्चन या नया टाइप का क्वेश्चन क्या लगा नीलेश जी? ये नीलेश जी हमारे देखो एकदम ऐसे, मतलब आप बोल रहे हैं सर हो गया सर, अब तो कंबल अंबल ले कहाँ लगाए, ठंडी लगी है ना। नीलेश जी, एक क्वेश्चन कौन सा अच्छा लगा आपको जो याद आ रहा है? सर हाउसिंग लोन इन मेट्रो स्टेशन सर, प्राइवेट सेक्टर में सर, प्राइवेट सेक्टर अच्छा लगा सर, 35 लाख है काफी सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर वो, बहुत बढ़िया। तो मेट्रोपोलिटन सेंटर में है तो 35 लाख होगा, अदर देन मेट्रोपॉलिटन सेंटर है तो 25 लाख होगा, प्रोजेक्ट कास्ट मेट्रोपॉलिटन सेंटर है तो 45 लाख होगा, अदर देन मेट्रोपॉलिटन सेंटर है तो 30 लाख होगा। प्रियंका जी, एक सवाल थोड़ा अनोखा सवाल आया था आज के इस 20 सवालों में से, आपको याद आ रहा है कौन सा है नया सवाल जो आप नहीं जानते थे और स्क्रीन पर आया आज? हाँ सर, प्रियंका जी से पूछा है। नहीं सर, जो तो आज क्वेश्चंस देखे ना सर, आपके जो पहले के वीडियो देखे थे तो सारे मतलब क्वेश्चन अच्छे लगे थे, केवल जो आर्यव्रत बैंक के जो स्पेशली जो थे, इसमें DICGC जो वाला था सर वो काफी अच्छा लगा, उसका जो कुछ इसका डाउट था वो। ओके ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन एक नया टाइप का क्वेश्चन जो जरूर शंकर जी ने बताया, वो क्वेश्चन थोड़ा नया था जिसमें कैश केबिन में जो ग्लास लगे होने चाहिए उनका थिकनेस जो है क्या रखा गया है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी या GAD पॉलिसी के तहत। तो अभी मैं देख रहा हूँ पिछले एक साल दो साल से GAD पॉलिसी से 2-3-4 सवाल पूछे जा रहे हैं मोबाइल एक्सपेंस। मैं लॉगिन नहीं कर पाई थी उस समय, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मेरा मिस हो गया शायद। कोई बात, एक 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 निसी स्कीम क्या था उसको क्लियर नहीं हुआ, निसी वाला। अच्छा, हाँ ऑर्डर निसी वाला, उसमें ये पूछा गया था कि जब भी गार्नेसी ऑर्डर जारी होता है तो गार्नेसी ऑर्डर जारी होने पर दो ऑर्डर जारी होते हैं, एक होता है निसी ऑर्डर, तो दूसरा ऑर्डर क्या होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ऑर्डर। तो ऑर्डर निसी क्या होता है, बैंक को निर्देश दिया जाता है कि ये खाते को आप जो है स्टॉप कर दो ऑपरेशन, तब तक वो सो पास नोटिस जारी करते हैं उस कस्टमर को कि क्यों ना आपका पैसा सीज कर लिया जाए क्योंकि आप ये लाइबिलिटी अपना पे करने में असक्षम रहे, तो उसको सो पास नोटिस दिया जाता है, इसलिए बैंक को ऑर्डर दिया जाता है कि उनके खाते में लेन देन रोक दिया जाए। फिर आता है एब्सोल्यूट ऑर्डर, एब्सोल्यूट में बोला जाता है कि अब जो खाते में जो ये अटैच किया था आपने उसका पैसा हमें कोर्ट को भेज दीजिए, तो हम क्या करते हैं खाता डेबिट करके DD बना के कोर्ट को भेज देते हैं, ये होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट। फिर अपन हम उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। चलिए, तो आज सर ये कैश केबिन का जो सर कहां से मिलेगा, किस सब बैंक के लिए सेम है या अलग अलग बैंकों का अलग गाइडलाइंस है, और वो गाइडलाइंस कहाँ पे है? कौन सा वाला कैश केबिन का सर, जो थिकनेस था ग्लास का थिकनेस? नहीं, सभी बैंक लेक है। ये गाइडलाइंस कहाँ पे है सर मेंशन? ये आपके एक्सपेंडिचर पॉलिसी में होगा, GAD में होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होगा, या मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन में है। एक्चुअल में ये RBI ने कैश केबिन स्ट्रक्चर जैसे वो बनाते हैं ना प्रीमाइसिस के लिए, तो प्रीमाइसिस पॉलिसी में होगा। इसीलिए सभी बैंकों का समान होगा क्योंकि कम से कम 12 mm का होगा, तो कोई ऐसा मार के पैसा ना ले जाए ऐसा कुछ होगा उसमें, जो उसकी जो कॉम्पिटेंसी होगी ना उस आधार पर होगा, उस साइंटिफिक रीजन होगा, इसलिए सभी बैंकों का समान होता है, कम से कम 12 mm होना चाहिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। पता चला ये वरुण जी जैसे आए और हल्का सा मार के पैसा निकाल लिया, ऐसा नहीं, थोड़ा थिकनेस टाइप का ऐसा सवाल दिया गया। तो ये आपके पॉलिसीज में होगा, एक्सपेंडिचर पॉलिसी में, नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो जनरल गाइडलाइन है मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज आप सबसे इजाजत लेते हैं, फिर सुबह फिर मुलाकात करेंगे 6:30 बजे। बैंक ऑफ बड़ौदा का सर कुछ इंटरनल लाना पड़ेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनल लाएंगे। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट किया था कुछ पॉलिसीज देने के लिए, शायद कुछ साथियों ने साझा किया है,
आप भी अगर आप कोई लेटेस्ट पॉलिसी हो तो आप भेज दीजिए, क्योंकि मैं उस पर काम करना चालू कर दिया अभी, क्योंकि आने वाले शायद 5 या 10 तारीख को एग्जाम है ना आपका, 11 तारीख को एग्जाम है, तो उसमें से हम लोग 5 सेशन करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, इंटरनल फोकस्ड इंटरनल, ठीक है। और सर सेंट्रल बैंक की पॉलिसी सर, वो भी सर, सेंट्रल बैंक अभी प्रियंका मैडम आ गई हैं, पढ़ाएंगे पूरा सेंट्रल बैंक की पूरी पॉलिसी पढ़ाएंगे, है ना, पूरे सारे सेशंस होंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाने आई हूँ। हाँ पढ़ाने के लिए आई हैं, देखो खुद ही बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, पढ़ाएंगे। बहुत कंफ्यूजन और बहुत सारा डाउट है, क्योंकि मैनुअल्स बहुत सारे हैं अपने और इतना पढ़ा नहीं पाता है। देखिए सेंट्रल बैंक के जो साथी हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, उनको जनरल बैंकिंग का कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी जनरल बैंकिंग का GHIABCD कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ सिर्फ इंटरनल बैंकिंग पढ़ना है। सारे इंटरनल बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 90 इंटरनल से रहेंगे, 10 जनरल से हो सकते हैं, और अगर जनरल से भी होगा तो वो इंटरनल के जनरल से होगा, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर गया है अभी बैंक का, क्योंकि जो अभी करेंट मैनेजमेंट है ना वो एकदम स्किल और HR एक्सीलेंस पे काम कर रही है, तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी थोड़ा मेहनत करूंगा सेंट्रल बैंक के साथियों के लिए, और तैयारी हो चुका है, पहला हफ्ता दिसंबर का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक के लिए, तो शायद ही किसी बैंक की इतनी पॉलिसी पढ़ाए जितना सेंट्रल बैंक का पढ़ाऊंगा, मैं सारे कवर कर लूंगा, ताकि वो पॉलिसी लगभग दूसरे बैंकों में भी समान होगा, नेशनलाइज बैंक में स्ट्रक्चर समान होगा, बस डेलीगेटेड पावर जरा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का भी सर पॉलिसी चेंज हुआ है इस बार से, एग्जाम जो IBPS के लिए, देखो मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसी थी पिछले साल की, तो मैंने उस पर तैयारी कर लिया था, बट जब नई पॉलिसी आई देखा तो उसमें बहुत सारे चेंज आए। बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आप बैंक के लिए निकले घर, बैंक पहुंचे नहीं, पॉलिसी चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि सिनारियो है ना, हमको स्थिरता लानी है देश में, समाज में आर्थिक स्थिरता लानी है, उसके लिए पॉलिसी में बदलाव करना है। आज ना होगा कल के जैसा, कल ना होगा आज के जैसा, पल पल में परिवर्तन है, पल पल के जैसा, तो क्यों ना तैयार है बैंक ऑफ बड़ौदा कल के जैसा, जैसा जरूरत है कल के। इस बार सर कंप्लीट एग्जाम IBPS ले रहा है, बैंक से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कंप्लीट IBPS सेट करेगा क्वेश्चन। यस, और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव, मतलब नंबर वन पर है, ईज में भी नंबर वन, पता नहीं किसमें नंबर टू में, तो किसी में है ना, सब में नंबर वन है, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट्स हैं, बहुत इनोवेशन है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तैयारी किया हूँ अलग से, एक बार मेरे से आप बात कर लेंगे तो मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगा, कुछ आप भी मदद करिए तो मैं अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाऊंगा आपको, ठीक है सर, ठीक, कल मैं करता हूँ। हाँ वरुण जी, 9 बजे के बाद कर लीजिएगा लोकेशन, है मॉर्निंग में। वरुण जी, प्रियंका मैडम की क्लास कितने बजे से? प्रियंका मैडम की क्लास होंगी मतलब 10 बजे, 10 बजे पढ़ाएंगी, है ना, 10 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ बोल दीजिए, झूठा ही सही, हाँ बोल दीजिए प्रियंका मैडम, है ना, हम पढ़ाएंगे ना, चिंता क्यों करते हैं, है ना, हम पढ़ाएंगे, ठीक है, वो हाँ हाँ करते रहेंगे, हम पढ़ा देंगे, अच्छा सर, और पढ़ते पढ़ते एक दिन वो भी काबिल हो जाए, है ना, ठीक है, वो होनहार मैम का फर्स्ट सेशन है ना सर, उनको सारा ज्ञान है, लेकिन साथ में रहके हम लोग पढ़ेंगे, विद डिस्कशन पढ़ेंगे। हाँ जी राजू नैन जी, मैं ये कह रहा था सर कि आज मैम का फर्स्ट सेशन है ना? हाँ आज पहला सेशन, तो शुक्रिया अदा करते हैं सभी साथियों का, और आप लोगों का हौसला अफजाई करता हूँ कि आप सभी जो है शानदार। हाँ कुछ कह रहा है ये, जस्ट वरुण जी की सर बात सुन लेते हैं, माइक ऑन कर लीजिए वरुण जी, फिर हम लोग को जरा सभा समाप्ति कर दीजिए। हाँ जी सर, मेरा फ्रेंड है बैंक ऑफ बड़ौदा में सर, मेरे को अभी उन्होंने लेटेस्ट मटेरियल डाल दिया था, मैं आपको सेंड कर देता हूँ सर, आप प्रोवाइड करा देना सर, बिल्कुल लेटेस्ट है अभी। अच्छा हाँ सर बिल्कुल, वो 342 पेज का लेटेस्ट उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा सर, उनके हेड ऑफिस से मिला था उसे, और वो उसने मुझे डाल दिया, क्योंकि मैंने पढ़ा कुछ। हाँ सर मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है, तो आप कर दीजिए, मैं मदद कर दूंगा इनको, है ना, ठीक है। हाँ सर मैं पीडीएफ में है सारा। बहुत बढ़िया, तो आप सबके लिए मैं इन पंक्तियों से विदा लेता हूँ कि हर असंभव काम को करने का एक ही तरीका होता है, हर असंभव काम को करने का एक ही तरीका होता है, सिर्फ कड़ी मेहनत करते रहिए। मतलब अगर कोई काम नहीं आता है तो उसी काम को करिए। सपोज आपको कोई डिसीज क्लेम पेमेंट करना नहीं आ रहा है,
तो बैंक में जितने डिसीज क्लेम आते हैं सबको ले लीजिए, सबको ले लीजिए। पहला डिसीज क्लेम हो सकता है 30 दिन में कर पाओगे, लेकिन आप इतनी बुरी तरीके से करिए, इतनी बुरी तरीके से करिए से करना आ जाए। तो हर वो काम जो आपको कठिन लगता है उसको बुरी तरीके से करिए, इतना करिए, इतना करिए कि करना आ जाए, ठीक है। तो इसी हौसले के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे हमारे नीलेश जी के साथ, एक है ना एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर, ये एग्रीकल्चर का सारा पढ़ाएगा ये आप, है ना, ठीक है। आप सभी को शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। अभी अभी 12 बजे तक जगे होंगे या 10 मिनट में एक टेस्ट दूंगा, टेस्ट को करके सो जाइएगा। ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके, गुड।